उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आप देख रहे हैं ब्लॉग्स, मैं थोड़ा फैलने आया था तो आज सोचा कि एक ब्लॉग बना डालूं। आप मुझे बताइए कि आवाज़ कैसे आ रही माइक से, क्योंकि मैं इस टाइम फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। देखिए ताल है, मैं थोड़ा टहलने आया था, सामान वामान लेने आया था थोड़ा कल ताल तक। तो बताइए आप कैसी वॉइस आ रही है इसमें, और फेस वेस कैसा आ रहा, सही आ रहा ना, रहने में रेंज वगैरह काला हालत तो नहीं आ रहा है। तो नैनीताल का माहौल कुछ ऐसा है कि नैनीताल इस टाइम पे हल्का फुल्का है, सैटरडे संडे को है, जो काफ़ी सही काम होता है। जो टूरिस्ट आते हैं, आप लोग आते हैं, आप लोगों का आगमन होता है। और मैं टाइम नए फुटपाथ पे चल रहा हूँ, जो नया फुटपाथ बनाया गया है, बहुत पैसा खर्चा हो रहा है आजकल। जो नैनीताल में लग रहा है लाइट देख रहे हैं कि नहीं लगी है, अभी चालू नहीं मिलेगी, यूनिवर्सिटी में भी चालू हो, ये तो चालू हो गया, ये बहुत बढ़िया लग रहा है, चौड़ा कर दिया बैठने के लिए, यहाँ पे सीट से लगेंगी, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का काम चल रहा है अभी। तो बताइए कैसा लग रहा है आप नैनीताल का, बारे में मुझे कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक करिए। लाइक नहीं करते हैं आप वीडियो को, ट्रैफिक बहुत चल रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि माइक भी गाना भूल गया मैं ये ऑडियो में माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो दूँगी, मेरे फ़ोन के फेस वेस तो निकट रहा है, हाथ में दर्द होने लगी है फ़ोन पकड़े पकड़े। मैंने सोचा एक ऐसी ब्लॉग बना दूँ चलते चलते। अभी मैंने जो है सामान लिया है कुछ इलेक्ट्रिसिटी का, और कैमरे का थोड़ा सामान लिया है नैनीताल से, और फिर कीवी ली है, कीवी जो है आपकी 200 रुपये किलो कीवी ली थी मैंने नैनीताल से। हम जो है अभी इस रूट पे चल रहे हैं, और आप बताइए कि आप नैनीताल कब आएंगे। स्नोफॉल का वीडियो डाला है मैंने, आप कमेंट करके बताइए कि आप नैनीताल कब आ रहे हैं। और स्नोफॉल का जो वीडियो डाला था वो मैंने प्रिडिक्शन बताए थे, ये स्नोफॉल कब कब होगी नैनीताल में और किस किस डेट को होगी, तो वो बहुत एक्यूरेट जो है मेरा प्रिडिक्शन है, 70-80% चांसेस है कि हो जाए, 20% नहीं भी हो सकते। तो कमेंट में गाली वालियाँ मत देना प्लीज़, बताइए। देखिए धूप इतनी कड़क निकल रही है 2-3 दिन से, लेकिन काफ़ी ठंडा हो रहा है, इतनी धूप निकल रही है क्योंकि केदारनाथ और बद्रीनाथ के साइड जो है बहुत बर्फबारी हुई है। मैं चलते चलते ब्लॉग बना रहा हूँ तो थोड़ा यहाँ रुक जा, बहुत जो है ट्रैफिक चल रहा है, पीछे लोग आ जा रहे हैं काफ़ी। फ़ोन से बनाया है ब्लॉग तो बताइए आप। हाँ, तो मैं कह रहा था मैंने आज जो है नैनीताल में कीवी बेचने वाला आया था, तो उससे कीवी ली है 1/2 किलो 100 रुपये की, सही मिली नहीं मिली, वैसे पीस के हिसाब से मिलती है, वो ऑर्गेनिक कीवी है तो सही मिल गई। और जो है दिसंबर टू जनवरी फरवरी तक जो है बर्फबारी की वीडियो बनाए रखी है, उससे जाके देख लीजिए चैनल पे, और वीडियो पे भी लाइक कीजिए, कम से कम 100 लाइक तो मार दीजिए, 1000-1500 व्यू आते हैं, किसी में 500 भी आते हैं, कम से कम 100 लाइक तो मार सकते हैं आप, कमेंट भी कर सकते हैं 50-60 कुछ जात हुई घर आए देख रहे हो तो लाइक भी मार दो और कमेंट भी मार दो, मुझे बताओ नैनीताल कब आ रहा हूँ। लोग कहते हैं हंसते नहीं हो आप वीडियो में, मैं बहुत हंसता नहीं हूँ, मैं कम हंसता हूँ, जब भी हंसता हूँ तो मेरी एक आँख छोटी हो जाती है, इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं हंसता हूँ। आपको इन्फॉर्मेशन देने के टाइम पे या वीडियो बनाने के टाइम पे थोड़ा बहुत हंसते हैं, तो आपके लिए देख सकते हैं पीछे, यहाँ का माहौल देख सकते हैं पीछे। तो मैं ये अपनी वीडियो शूट कर रहा हूँ Redmi S2 Pro मोबाइल से, काम चल रहा है यहाँ पे, मजदूर बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं लॉकडाउन के पहले से ही, लगभग लगभग तैयार हो चुका है, बस ग्रिल लगना बाकी है इस पे फुटपाथ पे। तो बस आज की वीडियो ऐसी मैंने छोटा बना दी, तो आप लाइक करिए और शेयर करिए, आप देख सकते हैं नैनी ब्लॉग्स और मेरे नाम से।